इंसान का जीवन कितना अजीब है। जब हम सफल होते हैं, हर चीज हमारे अनुकूल होती है, तब हम यदि श्रेय देने का अवसर आता है तो हम सब कुछ श्रेय स्वयं को देना चाहते हैं और स्वयं ये मान लेते हैं, दूसरों को भी ये बार बार स्मरण दिलाते हैं कि यदि हम जीवन में सफल हैं तो हम यानी हमारे को उस सब का श्रेय है। और इसके विपरीत यदि कभी परिस्थिति प्रतिकूल है, असफलता आपके जीवन में आ रही है और स्थिति परिस्थितियां आपके लिए संघर्षपूर्ण है, तो फिर हम वो रास्ते तलाशते हैं कि कैसे हम किसी दूसरे को दोष दे सकें। किसी दूसरे को दोष देना बहुत आसान प्रक्रिया है, और जब भी जीवन में हमारे खुद के विकास के सफलता के रास्ते अवरुद्ध होते हैं, बाहर हमको जब कोई रास्ता नहीं नजर आता, तो हमारे पास एक ही विकल्प शेष बचता है कि कैसे किसी को दोष दिया जाए और अपने आप को निर्दोष साबित किया जाए और स्थापित किया जाए कि मैं श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ हूं, पर अमुक परिस्थिति के कारण, सरकार के कारण, समाज के कारण, इस कारण उस कारण मेरी प्रगति बाधित है। जब भी आपके जीवन में आपको बाहर कोई रास्ता ना दिखे, तो फिर अवसर है, उपयुक्त अवसर है भीतर झांकने का, अंदर झांक कर देखने का। क्योंकि जब भी बाहर कोई रास्ता ना सूझे तो अपने अंदर झांक कर देखिए। आपके अंदर यदि आप झांकेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यदि दोष किसी का है तो सिर्फ दोष आपका है। सफलता के लिए भी आप जिम्मेदार हैं और असफलता के लिए भी आप जिम्मेदार हैं। आज आपका जीवन जिस भी किसी स्थिति परिस्थिति में हो, आपके पुराने कृत्य, अब तक के आपके जीवन में आपने जो भी कुछ किया, वही उसके लिए उत्तरदायित्व है। और आज से आने वाले 10, 15, 20, 25 साल बाद आपका जो भी शेष जीवन काल शेष है, उसमें आपके जीवन की स्थितियां परिस्थितियां जैसी भी होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण होंगी। आज आप जो निर्णय करते हैं, जिस प्रकार का आचरण, आचार विचार, व्यवहार आपका है, उसके अनुरूप आने वाला भविष्य आपका तय होगा। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि आज आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपका आचरण, आपकी सोच, आपकी मानसिकता क्या है। और इसीलिए फिर आग्रह कर रहा हूं कि जब कभी भी आपको बाहर कोई सफलता का रास्ता ना सूझे, वो इसका स्पष्ट संकेत है कि अपने भीतर झांक कर देखिए, अंदर झांकिए, आत्मावलोकन करिए, आत्मविश्लेषण करिए और कोशिश करिए कि चीजों को आप कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। और इसीलिए जीवन में जितना महत्व स्टार्ट करने का है, उतना ही इंपॉर्टेंस रीस्टार्ट करने का है। एवरी टाइम व्हेनेवर यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, व्हेनेवर यू आर एबल टू फाइंड अ वे, व्हेनेवर यू आर रेगुलरली फेसिंग द फेलियर्स, दैट इज द राइट टाइम टू इंट्रोस्पेक्शन। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, अपने आप का अवलोकन करने की आपको आवश्यकता है। अंदर झांक कर देखिए आपके, और देखिए कि सफलता के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उन पर आप काम कर पा रहे हैं कि नहीं काम कर पा रहे। सफलता का सबसे बड़ा बुनियादी सिद्धांत अनुशासन, डेली डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस पर काम कर पा रहे कि नहीं काम कर पा रहे। आपने कोई गोल या टारगेट सेट किया है कि नहीं सेट किया है। आपका उस गोल, उस टारगेट के अनुरूप कोई एक्शन प्लान, कार्य योजना आपके पास है या नहीं है। क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक कार्य योजना नहीं होगी। यदि लक्ष्य है तो फिर कार्य योजना अति आवश्यक है, और कार्य योजना के सफल संचालन के लिए, ठीक से अमल में लाने के लिए प्रतिदिन के अनुशासन की आवश्यकता है, और इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्राकृतिक आकर्षण का सिद्धांत, आप उस पर कितना काम कर रहे हैं, आपका आत्मसंवाद कितना है, उस पर आप क्या बातचीत कर रहे हैं, आपका 24 घंटे का जो आत्मसंवाद होता है, उस आत्मसंवाद में कितना स्थान आपके सकारात्मक शब्दों को है, आपकी सेल्फ अफर्मेशन कितनी स्ट्रांग और कितनी पॉजिटिव है, ये सब डिपेंड करता है। और यही सब सफलता की शाश्वत और विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रोसीजर। प्रोसेस ये सारी चीजें हैं और प्रोसीजर वो जो आपको करना है। सो नेवर एवर ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर योर फेलियर। यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। That's why it is time to restart. What is time to restart? Whenever you are facing failures. जब जब आप असफलता का अनुभव कर रहे हैं, वही सही समय restart करने का। और आपको आपके हिस्से का काम सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आपके हिस्से का काम नहीं कर पाएगा। Nobody can restart you. You have to restart yourself.
और रीस्टार्ट करने के लिए आपको इस सारी चीजों को रीशेप करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और आपने जितना फास्ट चीजों को रीशेप किया है, रीस्ट्रक्चर किया है, उतनी ही फास्ट आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस होगी। आप ग्रो भी करेंगे और गेन भी करेंगे, प्रोवाइडेड कि आप एक प्रॉपर ट्रैक के ऊपर हैं, प्रॉपर रास्ते के ऊपर हैं। आप जब जब कभी भी सफलता के पथ से आपका विचलन हो, डिरेल्ड हो आप सक्सेस के ट्रैक से, तो वह अवसर है रीस्टार्ट करने का। और उतना ही आसान है रीस्टार्ट करना जितना बोलना, विश्वास करिए उतना ही सरल है। पर कठिनाई क्या है कि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि इट इज वेरी इजी टू रीस्टार्ट, इट इज एज इजी एज टू स्टार्ट समथिंग न्यू। पहला कदम लेना पड़ेगा, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, नई शुरुआत करनी पड़ेगी, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। और ये सब मिलेगा आपको आत्मविश्लेषण से, आत्मअवलोकन से। आपका सेल्फ असेसमेंट जितना स्ट्रांग होगा, आपकी रीस्टार्ट उतनी स्ट्रांग होगी, और आपकी रीस्टार्ट जितनी स्ट्रांग होगी, आपकी सक्सेस की जर्नी उतनी स्ट्रांग होगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके पास यदि बाहर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, चुनौतियों का ढेर आपके पास लगा हुआ है, लगातार 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 सफलता आपसे दूर है, तो इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि ये समय रीस्टार्ट करने का है, रीशेप करने का है, रीस्ट्रक्चर करने का है। रीस्ट्रक्चर योर सेल्फ, प्लान करिए अपने आप को। ब्लेम करना, विक्टिम थिंकिंग, निराशा में जाना, दोष देना, इन सबको छोड़ना पड़ेगा और पुनः जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ करना पड़ेगा, ताकि आप सफलता की एक नई इबारत लिख सकें। और यही विज्ञान सम्मत सिद्धांत है, जो भी लोग दुनिया में सफल हुए उनकी सफलता का कारण यही है कि स्टार्ट और रीस्टार्ट उनके कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स उनको फॉलो करते हैं, प्रोसेस और प्रोसीजर सक्सेस की अडॉप्ट करते हैं और बड़ी बड़ी सफलता हासिल करते हैं।